श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि अगर आपको घर खरीदना है तो बस 4 महीने और इंतजार कीजिए। मार्च के बाद आपके लिए सही वक्त होगा घर खरीदने के लिए। क्यों? नोटबंदी की वजह से। आज जो रियल एस्टेट की जो वैल्यूएशन है वो कम से कम 30% कम हो जाएगी मार्च अप्रैल तक आते आते, हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो। अभी बड़े नोटों को चलन से बाहर करने की वजह से अगले 6 से 12 महीने के भीतर देश के 42 प्रमुख शहरों में मकानों की कीमतों में 30% तक की गिरावट आ गई है और आ सकती है, ज़्यादा भी आ सकती है। इतना ही नहीं, 2008 के बाद से डेवलपर्स द्वारा बेचे गए और गैर बिके रिहायशी संपत्ति की वैल्यू भी इस वजह से 8 लाख करोड़ रुपये कम हो जाएगी। प्रॉप इक्विटी के लोगों का कहना है कि नोटबंदी के कारण भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर में इसका बहुत भारी असर पड़ेगा। अगले 6 से 12 महीने के दौरान रियायसी संपत्तियों की मार्केट वैल्यू 8,02,874 करोड़ रुपए की कमी आएगी। प्रॉप इक्विटी ने भारत के 42 शहरों में 22,202 डेवलपर्स के 83,650 प्रोजेक्ट्स का अध्ययन किया है, उसके ऊपर सर्वे किया है। तो प्रॉप इक्विटी रिसर्च के मुताबिक भारत में प्रमुख 42 शहरों में रियायसी रियल एस्टेट वैल्यूएशन में कम से कम 30% की कमी आएगी और इसका मार्केट वैल्यू वर्तमान 39,054 करोड़ रुपए से लगभग 8,02,874 करोड़ रुपए घटकर 31,52,170 करोड़ रुपए रह जाएगी। तो सबसे ज़्यादा मार्केट वैल्यू मुंबई में गिरेगी, यहाँ 2,03,30 करोड़ रुपये की कमी आएगी। इसके बाद बेंगलोर में 99,983 करोड़ और गुरुग्राम में लगभग 80 करोड़ रुपये की कमी आएगी। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अब सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन्स में काफ़ी कमी आएगी। प्रत्येक 5 में से केवल 1 खरीदार पूरा भुगतान चेक द्वारा करना चाहता है। सामान्य तौर पर लोग 20-30% भुगतान नकदी में चाहते हैं। अब उस नकदी की शॉर्टेज हो जाएगी, जो मोदी जी ने किया तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ समय के लिए अब सारे काम बंद हो जाएंगे। आगे आने वाले हफ्तों में नोटबंदी की वजह से रीसेल कुछ समय के लिए पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।